फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, रूप मंत्र, आयुर्वेदिक क्रीम, लक्स और डव साबुन, हिमालय फेस वॉश, ऐसे ना जाने कितने ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इंसान को गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन ये सब प्रोडक्ट महज कुछ समय के लिए हमारे चेहरे को गोरा कर देता है और अगले कुछ घंटों के बाद चेहरा वापस से वैसा का वैसा हो जाता है। बल्कि अगर सच बताऊं तो उल्टा चेहरा सावला और काला दिखने लगता है। इन ब्यूटी प्रोडक्ट में ना जाने कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है जो हमारे चेहरे की धज्जियां उड़ा देते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर हम लोग अचानक से कोई दूसरा साबुन या क्रीम यूज करने लगते हैं तो चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं। और अगर सच में क्रीम पाउडर लगाने से कोई इंसान गोरा हो जाता तो अब तक सारे काले लोग अंग्रेज बन गए होते हैं। हमारी स्किन का कलर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे माता पिता का कलर कैसा है। अगर हमारे मम्मी पापा का कलर सावला है तो काफी हद तक हमारी बॉडी का कलर भी सावला ही होगा, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा धूप में रहने से या पोल्यूशन की वजह से आपके चेहरे का रंग सावला पड़ गया है तो आप दोबारा से अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं। आपका चेहरा भी एकदम अलग ही साइन करेगा। आपके चेहरे की चमक देखकर हर कोई आपसे इम्प्रेस होगा। और किसी भी टिप्स को एक दो दिन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार कई महीनों तक अपनी स्किन को केयर करना होगा, तब कहीं जाकर रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि चेहरे को गोरा करने के क्या उपाय है। नंबर 1, दूध। हमारी लिस्ट में सबसे पहले चीज आती है दूध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे बुजुर्ग हमें दूधो नहाओ क्यों बोलते हैं? दूध को चेहरे या शरीर पर लगाने से स्किन पर निखार और गोरापन आता है। और केवल दूध को लगाने से नहीं बल्कि पीने से भी हमारे चेहरे पर निखार आता है, क्योंकि दूध के अंदर वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। रेगुलर दूध पीने से हमारी बॉडी को सभी पोषक तत्व मिलते हैं और हमारी त्वचा अपने आप खिल उठती है। और अगर हो सके तो दूध के साथ थोड़ा सा केसर मिला के पीने से त्वचा खिल सकती है। नंबर 2, टमाटर। आपने बचपन में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लाल लाल टमाटर खाएंगे और लाल लाल हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी कहावत ये है कि लाल टमाटर लगाएंगे और लाल लाल नहीं बल्कि गोरे हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर से भी आप अपने चेहरे का गोरापन बढ़ा सकते हैं? आप टमाटर के रस को चेहरे पे लगा के सूखने दे और फिर 15 से 20 मिनट बाद धो लेना है। ऐसा रोज करने पर आपके चेहरे की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि टमाटर का पेस्ट किसी फेस वॉश से कम नहीं होता है। और अगर आपको कभी ट्राई करना है तो अपने फेस वॉश की जगह टमाटर के पेस्ट को चेहरे पे लगा के धो लेना। आपके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी और चेहरा चमक उठेगा। नंबर 3 है शहद। शहद त्वचा को निखारता है और साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी मददगार होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। शहद लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे चेहरे पे लगा के सूखने के लिए छोड़ देना है और बाद में पानी से अपना चेहरा धो लेना है। ऐसा 15 दिनों तक करने पर आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। नंबर 4 है हल्दी। हल्दी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अपने बचपन में हम देखा करते थे कि शादी के समय घर में सभी लोगों को हल्दी लगाई जाती है, स्पेशली दूल्हा और दुल्हन को हल्दी की उपटन लगाई जाती है। हमें लगता था कि यह कोई परंपरा है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी है, क्योंकि हल्दी दूल्हा और दुल्हन दोनों की खूबसूरती को बढ़ाता है। हल्दी को पानी या नारियल के तेल में मिलाकर आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। हल्दी कई रोगों में फायदेमंद होने के साथ खूबसूरती बढ़ाने के काम में भी आती है। हल्दी को आप दूध और दही के साथ भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो एक बार सिर्फ ट्राई करके देखना, आपके केमिकल वाले सारे फेस वॉश और क्रीम पाउडर धरे के धरे फेल हो जाएंगे। नंबर 5 है बादाम। देखिए, बादाम से आप अपनी बॉडी बनाने के साथ साथ चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। बादाम में काफी मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है। विटामिन B3 चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। आप बादाम के तेल को भी रोजाना अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपका चेहरा गोरा होने लगेगा और आपके चेहरे पर निखार बढ़ता ही चला जाएगा। नंबर 6 है केला। केले में वो सभी विटामिन और खनिज पदार्थ तो होते हैं जो कि चेहरे को गोरा बनाने में सहायक होते हैं। आपको 1 कप दही और छिलका सहित केला लेना है। अब आप किसी ब्लेंडर की मदद से इन दोनों का एक पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाए और लगभग 20 मिनट तक इंतजार करना है। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना है और नियमित रूप से उपयोग करने पर आपको 1-2 हफ्ते में ही अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे। और अगर आपके पास इतना सब कुछ तामझाम करने का समय नहीं है तो बस 1 केला खाना है और उसके छिलके को चेहरे पे घिस लेना है और 10 से 15 मिनट बाद पानी से धो लेना है। इससे आपके चेहरे का सारा मेल निकल जाएगा। नंबर 7 है एलोवेरा। देखिए, सर्दियों के दिनों में त्वचा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एलोवेरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। हम अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए एलोवेरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा की ताजा पत्तियों का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में जो नीचे वाला भाग होता है जिसमें से पीला पीला रस निकलता है, बस उसे हमें अलग कर देना है। अब ताजा पत्तियों से एलोवेरा जेल निकालना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है। ये चेहरे की शीतलता का अनुभव कराता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल में कुछ बूंदे संतरे के रस की भी मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और नंबर 8 है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। ये त्वचा की टेनिंग और मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को मुलायम, चमकदार और गोरा बनाने में मदद करता है। दही स्किन को हाइड्रेट रखने में सहायक होता है और स्किन पर क्लीजिंग की तरह काम करता है। आपको बस दही लेना है जिसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं। इनका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पे लगाइए और कुछ समय बाद साफ पानी से धो लेना है। और अब सबसे लास्ट में आता है फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पसीना बाहर निकलता है। अगर आप रोज 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो दिन पर दिन आपकी त्वचा का रंग निखरने लगता है और देखते ही देखते आप गोरे हो जाते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।